24 अक्टूबर 2023 को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री नीरज गुज्जर अपने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर नगर की जनता से मुलाकात की, विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता रवि कुमार खतीक के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान मीडिया को बताया कि मीडिया लोगों को भ्रमित न करे, मैं जहाजपुर विधानसभा से ही चुनाव लड़ूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूँ इस जहाजपुर की जनता को छोड़कर, जिसने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा और जहाजपुर की जनता की सेवा करूंगा। आपको बता दें कि इससे पता चलता है कि राज्य मंत्री धीरज गुज्जर को पता है कि उनका टिकट कहीं जाने वाला नहीं है। इसमें कांग्रेस आलाकमान की क्या राजनीति है ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको इतना बता दें कि भीलवाड़ा जिले में धीरज गुज्जर कांग्रेस का एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसने भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर जिंदा किया हुआ है। इनके मुकाबले कोई ऐसा नेता नहीं है जो भीलवाड़ा जिले से कोई कद्दावर नेता हो जो राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रतिनिधि हो। फिलहाल आपको इतना बता दें कि धीरज गुज्जर ने जहाजपुर चुनाव की तैयारी में कमर कस ली है और सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर भी धीरज गुज्जर के हजारों कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है और चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। धीरज गुज्जर के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को इतना विश्वास है कि धीरज गुज्जर ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कल धीरज गुज्जर के मीडिया को बताने के बाद इनके कार्यकर्ताओं में और जोश बढ़ गया है। इस दौरान नगर के पूर्व पार्षद बाबू खटीक, पार्षद अनिल उपाध्याय, पार्षद रईस केजीएन, सरपंच बाबूलाल मीणा, सरपंच देवराज गुज्जर आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जहाजपुर, मुबारक हुसैन।